हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है जी आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद मीनू कॉर्नर में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ सुंदर सी पहाड़ियों के साथ, और भेड़ बकरियाँ दिख रही होंगी आपको यहाँ पे। मैंने जूम किया था थोड़ा, तो यहाँ पे गद्दी आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ लग रही हैं। पहाड़ जो है आजकल जो है ना पूरे बर्फ से ढक गए हैं। तो अभी जो है शाम का टाइम था, 5 बज रहे थे और सनसेट हो रहा था, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए। तो मैंने सोचा चलो मुझे अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये है हमारे गांव का व्यू। आजकल जो है यहाँ पे गेहूं की खेती लगाई हुई है, तो ऐसा है कुछ यहाँ का व्यू। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है दूसरा दिन और सुबह का टाइम है, तो हमने जो है ऊपर वाली मंजिल पे छत वगैरह में पीओपी का काम करवाया है। तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको किस तरह के डिज़ाइन डलवाए हमने। तो अभी जो मैं इसको पानी लगा रही थी, तो अभी जो है शाम का टाइम है और मैं बना रही थी मोमोज। तो अभी जो है कुछ मैंने गैस पे चला दी है बनने के लिए और कुछ बना रही हूँ। नाच को जो है बहुत जल्दी लगी हुई है, आपको कब बने और कब हम खाए, लेकिन हेल्प नहीं करा रही मैंने। आज आपको मोमो दिखाता हूँ। साथ में जो है नक्स की पढ़ाई चली हुई है, पढ़ाई कम, इधर उधर का काम इसको ज़्यादा नज़र आ रहा है। और देख सकते हो आप यहाँ पे इसने सारी बुक्स फैला दी थी। और अभी जो है मैं बना रही थी मोमोज़ के साथ चटनी, तो ये बहुत टेस्टी चटनी बनती है मोमोज़ के साथ, बहुत ही बेस्ट रहती है ये। तो अभी जो है मैंने ऑयल डाल दिया, और ऑयल में पहले सबसे पहले मैंने जो है सरसों के दाने डाले हैं, उसके बाद डाल दिया मैंने सभी चीज़ों को। भून लूँगी मैं पहले प्याज और टमाटर, पुदीना और हरा धनिया, ये इनको सबको पहले भून लेना है। और ठंडा होने के बाद इसको जो है मिक्सी में जो है हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी चटनी बनती है। और जो भी आप जैसे नींबू की खटाई डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो इसमें आप, और बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर आता है। बाकी सॉस ले लेंगे मोमोज़ के साथ और ये चटनी हो जाएगी। इस चटनी में ना मेन जो डालना होता है ना हमें चीज़, वो होती है सरसों के दाने और कड़ी पत्ता। इसका अच्छा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई करना इसको, तो फिर बताना कमेंट करके कि कैसी लगी ये चटनी। तो दूसरी साइड जो है हम मोमोज़ को चेक कर लेते हैं कि अभी हुए पक गए बिल्कुल कि नहीं पके हुए हैं। तो मैं चेक कर रही थी यहाँ पर, मैंने रखी हुई थी ये चटनी। अभी इसको ठंडा होने दूंगी पहले, तो फिर उसके बाद इसको जो है ग्राइंड कर लूंगी। तो चलिए फटाफट जो है चटनी बना लेते हैं। इसमें मैंने ना थोड़ा सा चीनी भी ऐड की हुई है और बाद में डालूंगी। तो गाइस अभी मम्मा चटनी बना रही है और अभी मैं आपको मोमो दिखाता हूँ। दिखा रही है ना? और वो बिल्कुल तैयार हो गए। ओह नो, ओ नींबू गिरा दिया मम्मा ने। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 10, और देख सकते हो आप अच्छी खासी धूप लगी हुई है। पहले तो बारिश वाला मौसम बन रहा था, लेकिन अभी जो अच्छी खासी धूप लगी हुई है और ठंड जो है काफी हो चुकी है। तो मैं अभी जो है गमलों को पेंट करने सोच रही थी करने का, तो किया था हमने घर पे बाहर, तो खुद ही किया था मेरे हस्बैंड ने जब छुट्टी आए हुए थे। तो अभी जो है फिर पेंट बच गया था, तो मैंने बोला ऐसे ही ख़राब होगा, थोड़ा सा बच गया था, तो मैं सोच रही हूँ गमलों को पेंट कर दूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेंट करना। और जो भी पेंट बचा हुआ था ना हमने डिब्बों में डाल के रख दिया था, तो दो कलर के पेंट बचे हुए थे। अभी एक जो है मैं यहाँ पे गमलों को कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको साफ़ भी करना पड़ रहा था ना साथ साथ में,
मिट्टी वगैरह लगी होती है, जब भी हम पानी वगैरह देते हैं ना तो मिट्टी लग जाती है गमलों के साथ, तो उसको मैं साफ़ भी कर ले रही थी साथ साथ में। आज जो ना कपड़े वगैरह धोने का काम नहीं था तो मैंने सोचा चलो पहले गमलों को ही पेंट कर लेते हैं, बाकी काम जो खाना वगैरह बनाना है दोपहर का वो बाद में कर लूँगी। और दिन का ना पता ही नहीं चलता, सर्दियों में यही तो होता है कि दिन छोटे होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता, बस 3 टाइम खाना बनाओ, कपड़े धो, झाड़ू पोछा करो, बच्चों को पढ़ाओ, और दिन कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो एक्स्ट्रा काम के लिए ना फिर टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। काम के बारे में ज़्यादा क्या बताना, हर एक जो लेडीज होती है ना जानती ही है कि घर में कितने छोटे छोटे काम होते हैं, पूरा दिन भर लगे रहो लेकिन काम ख़त्म नहीं होते हैं। वीडियो में ना इस साइड थोड़ा अंधेरा सा काला और जैसे छाया पड़ रही हो वैसा वीडियो बना था, थोड़ा क्लियर नहीं आया था तो इग्नोर करना इस बात को, बाद में मैंने चेक किया, पहले देखा नहीं कि वीडियो कैसा बन रहा है तो बाद में चेक किया मैंने भी। अभी जो मैक्सिमम पेंट हो चुका है लेकिन फिर भी जो ना पेंट बच गया है, तो अभी देखूंगी कहाँ पे मैं पेंट करूंगी। फाइनली गमलों को पेंट हो चुका है और सभी में एक ही कलर किया है मैंने, तो बीच में कोई गमले जो हैं टूट भी गए हैं। अभी जो हैं सारे गमले बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में क्योंकि एक ही जैसा कलर था इनमें, और इस प्लांट में ना मैंने बीच बीच में इसमें भी पेंट कर दिया प्लांट में ही। तो आज का ब्लॉग था यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा।